हेलो दोस्तों, सुधा मधु यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग दाल खिचड़ी बनाना सीखेंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट और गर्मा गर्म बहुत ही यम्मी होता है। इसे बनाने के लिए हमें 2 ग्लास राइस और 1 ग्लास मूंग दाल का ज़रूरत पड़ेगा। मूंग दाल सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ हम 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच मस्टर्ड लेंगे, 1 छोटा चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 बड़े चम्मच तेल। आप चाहे तो तेल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 मुट्ठी भर के धनिया पत्ती को हम अच्छे से धो के रख लेंगे। 7 से 8 कड़ी पत्ते, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। जीरा पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। 4 ग्लास हमें पानी का ज़रूरत पड़ेगा। एक बड़ा प्याज को काट के रख लेते हैं, आप चाहे तो लंबा कट कर सकते हैं या फिर स्क्वायर शेप में। 3 से 4 हरी मिर्ची, अगर आपको तीखा खाना ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ग्रीन चिलीज डालिए। चावल और दाल को हम अलग अलग बर्तन में वॉश करके पानी डाल के सोख करके रख लेते हैं 10 मिनट के लिए। एक कुकर लेके उसमें 2 बड़े चम्मच तेल ऐड कर देते हैं। तेल गरम होने के बाद में जीरा और मस्टर्ड डाल देंगे। ये दाने अच्छे से स्प्लटर होने के बाद हम इसमें हरी मिर्ची ऐड करने के बाद में 1 मिनट वेट करके कड़ी पत्ता डालेंगे। आप चाहे तो इसमें 2-3 सूखा लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें कटा हुआ बड़ा प्याज डाल देंगे। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से तेल में फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें 1 छोटा चुटकी हल्दी डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। आप चाहे तो इसमें 7 से 8 काली मिर्च के दाने डाल सकते हैं या फिर काली मिर्च को कूट के डाल सकते हैं। अब हम धो के रखा हुआ भिगाया हुआ 1 ग्लास मूंग दाल इसमें डाल के अच्छे से फ्राई करने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ढक्कन बंद करके हमें 1 मिनट के लिए फ्राई होने के लिए छोड़ देना है। अब हम ढक्कन खोल के जीरा पाउडर डाल देते हैं 1 चुटकी। जीरा पाउडर ऑप्शनल है लेकिन इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब हम 2 ग्लास धो के भिगा के रखे हुए चावल डाल देते हैं। चावल और दाल भिगा के रखना ऑप्शनल है लेकिन भिगा के रखे तो अच्छा स्वाद आता है। 10 मिनट भिगा के रखना काफ़ी हो जाएगा। हम एक बार फिर से हम ढक्कन बंद करके इसे 2 मिनट पकने के लिए छोड़ देते हैं। 2 मिनट के बाद हम ढक्कन खोल के अच्छे से सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने 2 ग्लास राइस लिया था इसीलिए हम 4 ग्लास पानी डालेंगे। अगर आपको कंसिस्टेंसी थोड़ा पतला चाहिए तो आप ज़्यादा पानी ऐड कर दीजिए। अब हम ज़रा सा कटा हुआ धनिया पत्ती डाल के कुकर का विजिल लगा देते हैं। ये खिचड़ी पकने में कम से कम 3 से 4 विजिल आने के लिए छोड़ना पड़ेगा। देखिए 4 विजिल आ चुका है। अब हम ढक्कन खोल के देखते हैं। वाह, गर्मा गर्म खिचड़ी तैयार है। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सेहतमंद है खिचड़ी। आप ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट्स में बताइए कैसी बनी है। इस खिचड़ी में 1 चम्मच घी ऊपर से डाल के चख के देखिए
बहुत अच्छा स्वाद आएगा, और बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है घी डाल के खिलाना। बच्चे ही क्या, बड़े भी खा सकते हैं। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी बनी है।